केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 23 जून को श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंतिम सांस ली थी, जिस स्थिति में उनकी जान गई वो हम सबके लिए अभी तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है। उनके जीवन को एक देशभक्त, शिक्षाविद और सामाजिक न्याय दिलाने वाले एक नेता के रूप में हम सब जानते हैं। जब भारत का विभाजन हो रहा था तब कांग्रेस के नेताओं और मुस्लिम लीग ने एक तरीके से समझौते में सारा पंजाब और बंगाल लेने की ठानी थी। उस समय जन आंदोलन करके पंजाब और बंगाल में जनता को जागृत करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 23 जून को श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंतिम सांस ली थी। जिस संदेहास्पद स्थिति में उनकी जान गई वह हम सब के लिए अभी तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके रहा है। उनका जीवन एक देशभक्त के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में और एक सामाजिक न्याय दिलाने वाले नेता के रूप में हम सब जानते हैं। अगर मैं शिक्षाविद की बात करूं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी, सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बनने वाले और बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। वो शिक्षाविद थे, बाद में उन्होंने देशभक्ति के कारण राजनीति में कदम लिया और आज हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान पंजाब है और वर्तमान पश्चिम बंगाल है, यह उनकी ही देन है। उन्होंने उस समय जब भारत का विभाजन हो रहा था और उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने एक तरीके से समझौते में और मुस्लिम लीग ने सारा पंजाब और सारा बंगाल लेने की ठानी थी, तो उस समय जन आंदोलन करके पंजाब में और बंगाल में लड़ाई लड़ने का और जनता को जागृत करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। और इस कारण से आज जो हम वर्तमान पंजाब देखते हैं, वर्तमान बंगाल देखते हैं, यह उनकी ही देन है जो ये भारत देश के साथ हम सब लोग अपने अखंड भारत में देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन एक विचारधारा के लिए सारा जीवन लगाया। वो कभी सत्ता पर बैठने के लिए नहीं आए थे, वो अनेकों बार सत्ता पर आए और हमेशा विचार के लिए उन्होंने सत्ता को त्यागा। जब वो बंगाल में थे तो वो मंत्री थे, लेकिन उन्होंने विचार के कारण उस पद को त्यागा। जब वो नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी तो नेहरू जी की पहली कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे। उन्होंने उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के स्यूडो सेकुलरिज्म, छदम धर्मनिरपेक्षता, इसके खिलाफ उस समय आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप मुस्लिम लीग और सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटना टेक रहे हैं, इससे वह अपनी मत भिन्नता रखते हैं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर का विषय उठाया कि कोई कारण नहीं है कि आप धारा 370 को लागू करें, और धारा 370 के लिए उस समय नेहरू जी ने इसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने त्यागपत्र दिया और एक नारा लगाया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चले। और इसी नारे को लेकर के उन्होंने सत्याग्रह किया। और हमें सबको मालूम है कि उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए धारा 370 के तहत पासपोर्ट सिस्टम होता था, पास बनता था। उन्होंने पास नहीं लिया, उनको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रोक लिया गया और जब उन्हें रोक करके गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगभग एक महीने बाद वो संदेहास्पद स्थिति में जम्मू कश्मीर की जेल में उन्होंने अंतिम